2023 में टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला वनडे खेलने उतरी और इस मैच से ठीक पहले ही एक प्लेयर ने बहुत सारी चर्चा बटोर ली थी। वो प्लेयर भी ऐसा जिसे टीम में शामिल नहीं किया गया था। प्लेयर का नाम है ईशान किशन और ट्रेंड होने की वजह आप जानते हैं। ईशान ने अपने आखिरी वनडे पारी में 210 कूटकर कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इसके बावजूद उन्हें पहले वनडे से ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप होने पर ईशान के नाम एक खराब रिकॉर्ड भी जुड़ गया है। इसका वीडियो आपको LT स्पोर्ट्स में मिल जाएगा। रोहित शर्मा ने मैच से पहले ही बता दिया था कि ईशान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा था, बदकिस्मती से हम इस मुकाबले में ईशान किशन को नहीं खिला पाएंगे, लेकिन हमें गिल को सही मौके देने होंगे। उन्होंने पिछले 8-9 महीनों में शानदार बैटिंग की है। ईशान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने हमेशा खुद को एक वनडे बैट्समैन माना है। एक YouTube चैनल पर बातचीत करते हुए किशन ने बताया था, मैंने हमेशा माना है कि मैं वनडे क्रिकेट खेल सकता हूँ। लोग मेरे बड़े शॉट्स और मेरे अटैकिंग अप्रोच देख ऐसा सोचते थे कि मैं सिर्फ T20 का प्लेयर हूँ। मैंने बांग्लादेश के खिलाफ जो डबल सेंचुरी लगाई वो बहुत ज़रूरी थी। मैं लोगों को अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था और उस पारी के बाद मुझे सिर्फ T20 के लिए नहीं बल्कि दोनों फॉर्मेट के लिए देखा जाने लगा। ईशान टेस्ट क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं उन्होंने ये भी बताया है। उन्होंने इसी बातचीत में आगे कहा, जहां तक मेरी जानकारी है मेरा नाम टेस्ट के लिए नहीं लिया जाता, पर वो फॉर्मेट भी वनडे और T20 जितना ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे, बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी मारने के बाद ही झारखंड का मैच था, पर एक दिन के गैप के बाद। अगर टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए ज़रूरी नहीं होता तो मैं रेस्ट करता और श्रीलंका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के लिए तैयारी करता, पर मैं सीधा रांची पहुंचा और केरल के खिलाफ रणजी मैच खेला। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर लंबे छक्के मारें तो आप सिर्फ T20 ही खेल सकते हो। मैंने झारखंड के लिए जो शतक जड़ा था वो 192 बॉल्स में आया था। किशन ने आगे ये भी कहा कि वो इंडिया के लिए हर फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हर किसी का अपना प्रोसेस होता है। इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कोच और सेलेक्टर्स आपको कैसे देखते हैं। उन्हें वर्कलोड भी मैनेज करना होता है। आप अगर मुझसे पूछे तो मैं इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने को तैयार हूँ और ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए कोई अलग कोशिश की हो। मैंने रेड बॉल क्रिकेट में भी बहुत सारे रन्स बनाए हैं। ट्विटर पर इस पूरी वार्तालाप के बाद ट्विटर पर यह सवाल धड़ल्ले से पूछा जा रहा है कि क्या पहले वनडे में सही था शुभमन गिल का चुनाव, और आज के मैच को देखें तो गिल का चुनाव सही भी लगता है। गिल ने कैप्टन रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिलाई थी। दोनों ने मिलकर 143 रन की साझेदारी बनाई थी, जिसमें गिल के नाम 70 रन की पारी आई थी। इस पार्टनरशिप के बाद विराट कोहली ने बैटिंग का भार संभाला था। विराट ने 113 रन की पारी खेल इंडिया को 373 रन तक पहुंचाया। श्रीलंका चेस करते हुए इस टारगेट का पीछा नहीं कर पाई और 306 रन पर ऑल आउट हो गए, यानी इंडिया ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे 12 जनवरी को खेला जाएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस वनडे पर भी हम अपनी नज़रें बनाए रखेंगे। मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना क्यों ज़रूरी है ये जान लीजिए। छोटी बड़ी हर अपडेट आपको वहीं मिलती है। इसके साथ साथ आपको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं किस्से, कहानियाँ और ढेर सारे इंटरव्यूज़। और टीम इंडिया और बाकी स्पोर्ट्स पर हमारी नज़र तो बनी ही रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।